वेलकम बैक टू माई व्लॉग। स्नो हो रही थी, जुमे का दिन है, 12 बज रहे हैं और जा रहे हैं अनकॉलेज के क्लास के लिए। सोचा आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाऊं, आप लोगों को भी स्नो से महसूस कराऊं। जा रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी से होते हुए बस स्टॉप को, और स्नो बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने ख़ुद को बहुत ज़्यादा ढका हुआ है, क्योंकि अगर स्नो में मुझे ज़ुकाम लग गया या कोई भी इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट वगैरह या साइनोसाइटिस हो गई, फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, टेम्परेचर हो जाते हैं, वो भी बहुत सारे मसले इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सफ़र होना पड़ता है। इसलिए खुद को बहुत अच्छे से ढक लिया और अभी बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बस स्टॉप को जाते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना रोड को दरमियान से क्रॉस होते हुए चला जाऊँ, क्योंकि गाड़ियाँ सारी रुकी हुई थी स्नो की वजह से और इशारा भी बहुत ज़्यादा देर तक था। दूसरे रोड को ज़ेब्रा क्रॉस के थ्रू क्रॉस किया और अभी बस स्टॉप पे पहुंच के बस में चढ़ गए हैं और बस जाने लगी है अपनी मंजिल की तरफ। बाहर का बहुत खूबसूरत मंजर है, बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, बस से ज़्यादा अच्छे से तो नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है और आपको आंखों को बहुत ठंडक देती है और बहुत हसीन और दिलकश मनाजर पेश कर रहे हैं। लेकिन एक ही ड्रॉबैक है कि जब बस से उतरोगे ना, ओए होए, इतनी ठंड होती है कि बंदा जम जाता है यार। तकरीबन -18, -20, -22, कभी कभी -26 सेल्सियस तक भी चला जाता है। अभी बस से उतर गए हैं और रास्ते में जा रहे हैं अपनी क्लास को ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ। रास्ते में कुछ बुज़ुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं, बस सब ने बहुत अच्छे से ख़ुद को ढका हुआ और मैं भी आलमोस्ट स्नो से ढक गया हूँ। रास्ते में गाड़ियाँ सारी जितनी भी थी तो स्नो से ढकी हुई थी, पता नहीं कब तक चलाएंगे ये लोग। मैं रास्ते में कभी एक एंगल से कभी दूसरे से वीडियो बना रहा हूँ। अभी रोड को क्रॉस किया जल्दी से, क्योंकि इशारा आलमोस्ट बंद रेड होने को है, तो इससे पहले कि वो रेड हो जाए हमने रोड को क्रॉस करना है। और जल्दी जल्दी रोड को क्रॉस किया और रोड के आगे भी बहुत ज़्यादा सफ़र रहता है, तकरीबन 10 मिनट और भी हैं तो जाते हुए मैंने स्नो से आलमोस्ट ढक चुका हूँगा। अभी रास्ते को भी देखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, दोनों तरफ गाड़ियों को भी देखे, वो भी स्नो से ढकी हुई है, लेकिन फिर भी हमने क्लास लेना ही है, क्योंकि अगर हमने क्लास से छुट्टी की तो इतना सड़ना पड़ता है। ये बच्चा बहुत प्यारा जा रहा था, उनके स्टेप मुझे बहुत पसंद आए और उसको मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से रील में शूट किया हुआ। अगर आपने रील में देखना है तो आप इंस्टाग्राम पर जा के देख सकते हैं, आप मेरी हालात को देख सकते हैं कि कितना मैं स्नो से ढक गया हूँ। लेकिन हमें किया रहता कि अगर आपने छुट्टी की तो बहुत सड़ना पड़ता है, स्नो में दोबारा टाइम लेना पड़ता है और ये एब्सेंटी क्लियर करनी होती है अगर आप एब्सेंट हो गए। बस मैं और स्नो से आलमोस्ट ढक चुका हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ, बैग को देख के बैग की ये हालत है, स्नो से ढक चुका है। अभी क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद जुमे का नमाज़ पढ़ेंगे। अभी क्लास हो गई है हाफ और अभी हम ब्रेक में जा रहे हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए। जुमे का नमाज़ पढ़ने का कोई सीन इलम नहीं है कि आगे क्या होगा, जगह मिलेगी कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मस्जिद है। होए 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 होए, यहाँ आके सारे बाहर खड़े हैं, क्योंकि अंदर जितने भी लोग हैं वो घुस चुके हैं और जगह नहीं है, तो हमने बाहर जब मसल्ले बिछा के, किसी के पास है नहीं, किसी के पास नहीं है तो मसल्ले बिछा के यहाँ पे नमाज़ पढ़नी है। अभी सारे मसल्ले बिछ चुके हैं और नमाज़ पढ़ चुके हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद ये मंजर है, सारे लोगों ने स्नो में ही नमाज़ पढ़ी है और अभी वापस जाने लगे हैं अपनी हॉस्पिटल की तरफ। ये जुमे की नमाज का मंजर है कि लोगों ने जुमे का नमाज ऐसे ही स्नो में पढ़ा। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी नमाज को कबूल करे। देखे बस जिसने नमाज पढ़नी हो तो वह ऐसे हालत में भी पढ़ सकते हैं। इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि यार ये लोग ऐसे भी हैं माशाल्लाह। उनकी अब हर जगह अच्छे बुरे हैं, लेकिन यार ये अमल मुझे उनका बहुत पसंद आया कि कितनी स्नो हो रही थी, कितनी ठंड थी, -18 -20 तक टेम्परेचर था, फिर भी ये लोग नमाज के लिए आए और नमाज अदा करके अब जा रहे हैं। तो नमाज जाके अब हम वापस जाएंगे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जो क्लास रहती है तो वो उस क्लास को पूरा करेंगे, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा पीछे हट गए और अभी रास्ते में हैं हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल जाते हुए फिर से हमने वही स्नो से ढकी हुई कार, वही स्नो से ढका हुआ रास्ता, ये सारा कुछ देखा। मैं दोबारा मस्जिद से हॉस्पिटल आते हुए दोबारा स्नो से ढक गया हूँ
अब लोग देख रहे हैं यार बस आज पूरा दिन स्नो में ही घूमा फिरा, लेकिन लकीली मुझे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। अभी मैं पहुंच चुका हूं हॉस्पिटल, ये कुछ मेरा कुलीग है ये भी आए हैं, मेरी हालत देखें कितना मैं डक चुका हूं स्नो से। अभी हम अंदर जाएंगे, अब दोबारा क्लास स्टार्ट हो गई है और अभी क्लास 10 है, जितने भी रह चुका है वो क्लास कम्प्लीट करके फिर जाएंगे अपने हॉस्टल की तरफ। क्लास ख़त्म हो गई है, मैंने खुद को अच्छे से ढक दिया है और अभी हम वापस अपना सफ़र पैदल शुरू करेंगे बस स्टॉप तक। बस स्टॉप तक वही कार, वही स्नो, वही ट्रैफिक, वही सड़कें, सारा कुछ वही का वही सीन है स्नो, क्योंकि अभी तक नहीं है। हम बस स्टॉप पे पहुँच चुके हैं, वेट कर रहे हैं, हमारी बस जो है आ गई है, अभी हम इसमें चढ़ेंगे और चढ़ के अब जा रहे हैं हम अपनी हॉस्टल की तरफ, क्योंकि और कोई क्लास नहीं है आज। आज एक ही क्लास थी ऑनकोलॉजी की, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था, स्नो में गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी। हम अपने बस स्टॉप पे पहुँच चुके हैं जो यूनिवर्सिटी के करीब है, ये यूनिवर्सिटी है वो भी अभी तक स्नो चल रही है। यूनिवर्सिटी से होते हुए मैं एंटर हो जाऊंगा हॉस्टल। बस इतना ही था आज के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, देखते हैं नई वीडियो में, टाटा फॉर नाउ।